लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम कियान रॉय है और मैं एक इरोटिका राइटर हूं। I'm touring India with my first book. Coolest thing ever. हाँ, पर मैं ये जरूर कहूंगा, शान शौकत पैसा अपनी जगह है, बट असली किक तभी मिलता है when they call me this best selling author. While she winces with the sweet pain of his bite, he knew that pleasure begins when pain gets heightened. Ye aapki imagination hai ya experience? I'll be honest with you, sara experience hai. One question please. जब कोई आपके बॉल्स के साथ खेल रहा होता है, मजा तो आता है लेकिन खतरा भी उतना ही होता है। एक ऑब्सेस्ड फैन मेरे साथ कुछ वैसा ही कर रही थी, गिफ्ट्स, पेपर कटिंग्स और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आज वो मेरे कमरे तक पहुंच गई। मेरे बॉल्स डेफिनेटली खतरे में है। हर ट्विस्टेड कहानी की तरह यह कहानी भी मिस्ट्री से शुरू होती है। कोई अनजान लड़की मेरे पीछे पड़ चुकी थी और मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। Black suits you. Thanks for the ride. Okay, bye. कल मिलते हैं। Bye, see you tomorrow. Oh hi, Kiyan. Oh hi, Sumit. कैसा है? मैं ठीक हूँ। Brownies and honey for you. You don't want my brownies. You don't want my brownies. Mm-hmm. You just want to get into my panties, huh? Galat. कियान, वापस आओ ना। हाँ, कोई बच्चा होगा। आई एम कमिंग। आई एम कमिंग यहाँ आके बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सी यू इन पुणे।
What the f? अब पता कैसे चला यार उसे? अबे इतनी महंगी दारू! इस कुदरत के करिश्मे को वरुण कहते हैं, मेरा मैनेजर, अच्छा दोस्त और मुंबई का सबसे अनलकी ठरकी। भाई नीचे कोई ठेका होगा, मैं वहां से दारू लेके आ जाता हूँ। अबे तू इसलिए वर्जन, तू बंदी देखकर भी यही कहता होगा, तेरे साथ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अपने साथ ही कर लूंगा। यह है नताशा, मेरी पब्लिशर और बिजनेस में मेरा दाया हाथ। जैसे राक्षस की जान तोते में होती है, इसकी जान है इसकी मेड लता में। मेरी वजह से तुझे इतनी लड़कियां मिली है और तू मेरी ले रहा है यार। गाइस गाइस गाइस, लता यार, ये तूने मंगाया क्या? आने दो ना, किसने तो किया होगा यार, खाना है यार। ब्रो मैं इतना भूखा था ना, मैं कुछ भी कर सकता था यार। थैंक यू सो मच ब्रो। दिस इज ब्यूटी यार। फिनिश ईटिंग, हमें पेन और प्लेजर के बारे में बात करनी है। कियान, सब ठीक है? खाना नहीं खाना है? अरे तुम खा लो पहले ना, तुम लोग। एनीवे सुनो, कल मीडिया के सामने वो स्टॉकर वाले आइडिया को लेकर के थोड़ा सा टीज कर देना प्रेस कॉन में, ठीक है? इसको मेरे स्टॉकर के बारे में नहीं पता और अगली बुक पर घंटा कुछ काम हुआ है। जिंदगी मेरी ले रही है तो माइट एज वेल उसकी कहानी कोई बेच दिया जाए। हैंडकफ्स आर कंसीडर्ड क्यूट दीस डेज, गिव मी समथिंग रैड, यू नो व्हाट इज इट दैट यू आर प्लानिंग नेक्स्ट? एक आईडिया है। What? How about an author जिसको उसकी फैन स्टॉक कर रही है? हेलो, डेजर्ट के लिए आई वुड सजेस्ट चॉकलेट मूस, बट उसका असली मजा ना प्लेट में नहीं आएगा। How about you? Lick it off my... Who the f- Kashti, and I am one hell of a. Listen, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें मिलेगा नहीं, okay? So stop it right now. काश तुम्हें पता होता कि मैं क्या करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तो इस वक्त तुम मुझे चेस कर रहे होते। मैं किसी को चेस नहीं करता। हेलो के? या देखिए भाई साहब, आपने गलत रूम में भेज दिया, ठीक है? लूजर्स यार, उन्हें किसी और का ऑर्डर हमारे कमरे में भेज दिया। एनीवे जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। हेलो रिसेप्शन। रिसेप्शन, हाउ कैन आई हेल्प यू? हां यस, अभी रूम 530 में एक फोन कॉल आया था। कहां से आया था? वन मोमेंट प्लीज, रूम नंबर 505 आप ही के फ्लोर पे है। FII, I made you chase me, Mr. Bestselling author. Now be my prize and come to Club Voices. I can't do this, man. थी वो जो एक ऑथर के दिमाग से ना सिर्फ खेल रही थी बल्कि ऑलमोस्ट उसको कंट्रोल भी कर रही थी। ये कोई मामूली काम नहीं था। या मैं उसे स्टॉकर बुला रहा था पर हरकतें खुद स्टॉकर वाली कर रहा था। बस किसी भी तरह मुझे उसकी एक झलक देखनी थी।
What's wrong? खुला नहीं जा रहा है मुझसे, आप प्लीज बाहर से खोलेंगे? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाहर से दरवाजा खोलेंगे, प्लीज आई कांट ओपन इट, आई एम स्टक। या वन, गिव मी वन सेकंड प्लीज। यू ओके? Stay away. Come, get in here. एक आदमी की सबसे बड़ी फैंटेसी हाथों में हथकड़ी और एक हॉट लड़की जंगली बिल्ली की तरह आके ऊपर चढ़ जाती है। उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। अब आपके बॉडी पार्ट्स में जैसे 440 वोल्ट का करंट बहने लगता है, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही, लेकिन आदमी दिमाग से सोचे तो आसमान को छू ले और टांगों के बीच से सोचे तो सड़क पर ही आकर गिरता है। ये लड़की मुझे वहीं से सोचने पर मजबूर कर रही थी, एंड देयर आई वाज बीच सड़क पे। Fuck me, man. What? The word is hello. How rude have you become? Supriya ठीक ही कहती है। लड़का सिलेब हो गया। ये कौन सा नंबर है? सुप्रिया का है। मैं अपना फोन घर पे भूल आई। What is my celebrity fiancé doing? बाथरूम में हूँ। किसके साथ? कोई फैन तो नहीं मिल गई? वीडियो ऑन करो ना। बेब बेब बेब, हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और मुझे रेडी होना है। And anyway, do you want something from Pune? Surprise me, lover. वैसे तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। वीडियो ऑन करो ना एक बार। बाबा, I'm naked and you're in office. तो क्या हुआ? If you want, मैं भी बाथरूम में जा सकती हूँ। एना। अरे यार, तुम जो भी हो, तुमने मेरे हॉर्नी होके प्लीज बॉयफ्रेंड को क्या कर दिया है? Anyway, okay, bye. Love you. But listen, your surprise includes Japanese food. Bye. Bye. गेट अ रूम भी नहीं बोल सकते। यू गाइज लिव टुगेदर, 15 दिन में तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, बट द ठरक लेवल्स राइट अप देयर। इट्स नॉट ठरक यार सूप्स, कभी कभी इट टेक्स अ लॉट टू कीप टू पीपल टुगेदर। हे, ऑल ओके? या वो की दीदी क्या लता, बच्चे है वो मेरे, पिल्ले नहीं है जो गले में लॉकेट बांधो ताकि तुम पहचान सको। बहुत दिन हो गए, मैं घर पहुंच के बात करती हूँ। ओके, व्हाट हैपेंड, व्हाई आरंट यू रेडी? नीचे वरुण पोर्च में गाड़ी लेके वेट कर रहा है ना। एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स? एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। 2 साल पहले मैं एक शादीशुदा मॉम थी, फिर मुझे मिले सरप्राइज ट्रिपलेट्स और फिर एक सरप्राइज डिवोर्स। लता जो कि मेरी लाइफलाइन है, she keeps mixing up my children. To top it off, Kiyan Roy, I haven't been laid in 4 months, तो प्रॉब्लम की बात तो बेंचो, तुम छेड़ो ही मत। Oh my God, Kiyan, I do not want to have sympathies with you, you loser. Kiyan? Please. Sorry. क्या किया तुमने? क्या किया तुमने कियान? ये मैंने नहीं किया। तो अच्छा, ओके, बैठो सिट डाउन। कियान बोलोगे क्या हुआ? रिमेम्बर मेरा स्टॉकर वाला आइडिया? शी इज फॉर रियल। ओह माय गॉड, शी इज फॉर रियल। यस, मुझे पता था। आई यू, डू यू नो व्हाट्स गोना हैपन नाउ? अनायशा मेरे बॉल्स काट के मेरे मुंह में ठूस देगी। वो तो होगा ही,
बट तुम्हारी अगली बुक डबल बेस्ट सेलर होगी यार. यस, अगली बार जब वो कॉल करे ना या टेक्स्ट करे, यू सेट हर अप विद मी एंड वरुण. वी विल मेक एन ऑफर टू हर दैट शी कांट रिफ्यूज. सीरियसली, दिस इज व्हाट यू वरीड अबाउट? एंड आई नो ये मुंह में बॉल ठूस देने वाली बात सही है, बट कीप दैट इमेजिनेशन फॉर योर बुक ना. ओके, यू गेट पैक्ड अप जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू डाउनस्टेयर्स. ठीक है, चलो कम ऑन. Yeah, the press conference was there. Huh. Yeah, the press loved it, yeah. Books. Konnichiwa. I promised Japanese food. Okay, bye. Surprised? Ki tumhari girlfriend kitni sundar aur sushi hai. अपना हाथ जगन्नाथ ऑफ द अदर काइंड. जब किस्मत में हो लो, खैर छोड़ो. मैंने कहा था ना टू सरप्राइज यू. याद है कुछ दिन तक कश्ती का कॉल या मैसेज नहीं आया तो थोड़ा नॉर्मल सा फील हो रहा था. तो क्या कहते हैं उसे, तूफान से पहले की शांति. Give me your phone. My phone? Why? Just give na. It's hidden deep inside. You'll put. Shut up. Screw all this. तू आज रात क्या कर रहा है? I have some really important plans. Tell me. What's your plan? Dinner खुद के साथ, drinks खुद के साथ, और बाद में. इंटरेस्टिंग प्लान है, पर ये ना तू कल कर लेना. क्यों, कल क्या है? यू आर गोइंग ऑन अ डेट विद अलीशा. ठीक है, वो रोबोट वाली क्लोन वाली रियल गर्ल. यू आर वेलकम. आई सेव अलीशा. यस यू डिड. रास्पबेरी. सो आई ऑलवेज थॉट फर्स्ट I'll never meet a girl on Tinder, and then you happened. But Kasam, this is a great place. Yeah. Yeah. Hey, Varun. You know, I went to a girl's school. Tishma Kiyan Roy is your friend. Raju, ek whiskey dena. Neat. Friend, actually, कहना ठीक नहीं होगा. Thank you. I'm more of a mentor to him. उसे सारे ideas कौन देता है? मैं? That's the idea. हाँ? जो that's the idea मतलब वो book में जो first date पे sex वाला idea था किसने दिया? मैंने. Intro करवाऊँ? Will you? हाँ, पर मुझे क्या मिलेगा? Hashtag never been kissed. Hashtag just saying. Hashtag still a would you? I'll French kiss you. French kiss chalega. French. Introduction. Kiyan, this is Alicia. Alicia, this is. Your brain is so sexy. I could have sex with it, man. कैसे लिखते हो वो सब कियान? Oh, those words. It's all him. Funny. Actually, sexy, handsome, creative, and best-selling author. Oh, yeah. हमें चलना चाहिए नहीं? She owes me something. So, see you. I'm chillin. Okay. Chalo. Bye. Bye. Number dunga to kya milega? Shut up.
अरे बेब जस्ट प्लीज यार आई एम सॉरी कियान यू ऑलवेज डू दिस क्या फैन यार यहाँ और भी फैंस हैं तुम्हारे पकड़ने से क्यों रोका आई एम सो एंग्री कियान एंड व्हाट इज विद दीज यंग गर्ल्स कमिंग अप टू यू के यू नो हिटिंग ऑन यू ओपनली बेबो मेरी एक फैन थी यार आई मीन यार यू नो आना तुम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हो यार यू नो व्हाट आई नो टू चेयर यू अप यार जितना गुस्सा है तुम्हारे अंदर अभी ना सब निकाल दो सो दैट जो हम घर जाके करने वाले हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो एंड यू नो यू राइट टुनाइट सब मेरी गलती थी आई शुड हैव लेट यू हिट दैट कॉल आई एम सॉरी यू डोंट हैव टू से सॉरी ऑफ कोर्स आई डू एंड आई आल्सो नीड टू गो डाउन ऑन यू एंड मेक माय टंग डू सम पश्चाताप Yes, I need. Paschata. Yes, paschata. As. चलो घर चलो. Not as, but paschata. Kiyan, घर चलो. तो आइए आज हम मशहूर लेखक कियान रॉय के साथ बात करें. So Kiyan, what are you looking for? Hmm? कुछ भी तो नहीं. किसी. I mean, sorry. Can you? रिपीट योर क्वेश्चन हर ऑथर की एक जर्नी होती है एक तलाश होती है आप क्या तलाश रहे हैं एक्चुअली जिसको मैं तलाश रहा था वो तो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है और राधा मिल चुकी है एंड हु इज दैट आप नताशा मैं ढूंढ रहा था एक चार्मिंग सेंसिबल और एफिशिएंट पब्लिशर एंड सी आई फाउंड यू वेल दैट्स ट्रू एक्चुअली मूविंग ऑन कैन वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस प्लीज So, carry on. What is the name of your next book? Abhi, I haven't come up with it, but I'll keep you posted. एक तो इतना लेट हो गया और मुझे भूख भी लगी है। एक काम करती हूँ, लता को फोन कर देती हूँ। मैं घर पहुँचते-पहुँचते वो डिनर सेट कर देगी। अरे, have dinner with us ना? नहीं यार, घर पे चार बच्चे हैं, I am the dinner. अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अपनी वो stalker वाली book plug क्यों नहीं की? अरे वो And I already think pissed. I didn't want to get more upset. वैसे है कहाँ है ना? I think washroom गई है वो. कियान, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? अरे, just. वो stalker कुछ कर रही है क्या? Is she here? Dude, कितनी अच्छी PR story होगी अगर fiancé और stalker का face off हो गया तो. Just think about it once. अरे माँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं. अच्छा ठीक है जा रही हूँ मैं कियान जा रही हूँ रिलैक्स say hi to Lata for me bye चलो भाई bye the number you are trying to reach is currently unavailable यार हेलो अरे कहाँ पर हो यार हाँ कियान आई एम कमिंग वेट
Come. Bye. Hey. Come. Don't do this. Don't. हम लेट हो रहे हैं बाबा. जो ये बोल रही है वो सही है. I. Sorry, I don't want to bother you guys. She told me everything. इसने जो भी कहा है ना, don't believe it. चलो I'll गाड़ी में explain कर. Just because you've become a celebrity, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे मना करोगे लोगों को. She just wanted a selfie, यार. Such a prick you've become. You know what? I do not blame him. शायद मैं थोड़ी psycho type की लगती हूँ, है ना? नहीं नहीं, मैंने मना कहा किया ना ऐशा, मैं late हो रहा था ना, I was drop. Late? दो second लगते हैं कियान. अरे बाबू, come here. कियान, come. Let's take the picture. Come. Come. कुछ नहीं तो. क्या कियान? अरे सॉरी. ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? क्या लग गया यहाँ पे? ओह शिट, डोंट रब इट, फैल जाएगा. आई थिंक पानी से निकलेगा एक्चुअली. यू नो व्हाट, यू शुड डू सम. नहीं नहीं, मैं एक मिनट आती हूँ वॉशरूम से. जस्ट स्टॉप दिस. यू नो, यू स्टॉप इट. अरे क्या हुआ? अरे जस्ट हॉट मैटर. चले. हाँ कब? ओके. या या. यू गाइस हैव लॉस्ट इट मैन. अरे तू मुझे क्यों बोल रहा है? ये नताशा का आइडिया था यार, मेरा थोड़ी था. व्हाट द फक इज दिस कियान? प्लीज एक्सप्लेन, कब से चल रहा है ये सब? एंड यू मेट हर? शी इज कम टू योर होटल रूम. Anna, please just calm down. Some f***ed up weirdo bitch is stalking you, और तुम्हारे कमरे में panties फेंक रही है, and I'm supposed to calm down? What? That's bullshit, babe. Honestly, मुझे बस एक दो चुत के messages भेजा है उसने और एक दो calls किए हैं, that's it. तुम दोनों को? Are you guys making a marketing gimmick out of this? Babe, honestly, मैंने साफ मना किया था. मैंने किया था कि नहीं? ये सब इसका और नताशा का प्लान है. दुकान शानदार. वेल डन, वेल डन. मेरा ब्लॉग इंडोर्स किया. आई वांटेड टू अनाउंस द एंगेजमेंट एज वेल, बट नताशा इंसिस्ट की अगले बुक के बाद ही. नताशा बहुत परेशान करती है ना तुम्हें. आई लव यू. अच्छा तो फिर मत जाओ ना यार, प्लीज. 10 दिन, आई मीन तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा यहाँ पर. नहीं जाऊंगी तो एंगेजमेंट का क्या होगा? तुम्हें पता है ना, मम्मी पापा पूरा लखनऊ उल्टा कर देंगे. और मेरा क्या होगा? मैं यहाँ उल्टा हो जाऊंगा. उल्टे हो जाओगे? हाँ. दिखाओ कैसे, एक बार दिखाओ ना. अरे कियान प्लीज. ऐसे. लेट्स गो फॉर देन देन एंड ट्विंक्स. हेलो, ये वाला. एक्सक्यूज मी. हाय कियान, I'm Seema, big fan. Hi. Hi, Seema. I'm Naina. Hi. One photograph? Oh. Let's go.
कम मैं भेजता हूँ. नाइस. थैंक यू. थैंक यू. एक फोटो मेरे साथ भी. श्योर. नहीं प्लीज मैं आता हूँ. कम कम कम. फैंस का टेंशन एक नशे जैसा होता है और मुझे ये नशा चढ़ चुका था. पर कश्ती अब मेरे घर में भी घुस चुकी थी और मेरा नशा और मेरे कपड़े दोनों उतारने के चक्कर में थे. कियान, ये 2 minutes यार. कियान, the food is getting. अरे just babe, just give me 2 minutes ना. ओह हाय काशिश. अनाइशा फैंस हैं यार. Don't mind me, Kiyan. मैं सिर्फ फियांसे हूँ ना. यार please don't be like this. तुम दर्शन के लिए जा रही हो यार. तुम्हें और टाइम स्पेंड करना चाहिए ना मेरे साथ. Excuse me, आप प्लीज आप बाद में आ सकते हैं. We're having dinner. No, Kiyan. Nimish, hi. Hi. How are you? I'm good. You say? यहाँ कैसे? बस वर्क मीटिंग्स यार. कियान, यू रिमेम्बर निमिश? नो. मैं कॉलेज का सीनियर था एंड दिस इज कियान माय फ्रेंड एंड ही इज अ बेस्ट सेलिंग राइटर. भाई राइटर तो मैं एक ही जानता हूँ जो सबसे अच्छा है और वो तुम. वो तुम्हारा रीसेंट ब्लॉग कौन सा, मिलेनियल रिलेशनशिप्स? तुमने पढ़ा वो? बहुत अच्छा यार. दैट्स सो स्वीट. देखा मेरा भी एक फैन है. अब बोल भी दो कियान, क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो? I'm your friend, हाँ? तो क्या फियांसे बोलती? तुम्हारी कलेक्टिव फैन फॉलोइंग का हार्ट ब्रेक नहीं हो जाता? Then I would sales go off the roof. Okay, I understand that, but did he have to get so touchy feely with you? I mean, touchy feely? Yeah, all over you. Are you 13? अरे यार अनाइशा, you don't understand. तुम लड़कों को समझती नहीं हो यार. You can't trust guys. सबको एक ही चीज़ चाहिए होता है. You're a guy. Can I trust you? यार come on, this is different यार. No, it's not different, Kiyan. तुम्हारी फैंस तुम पे चढ़ती रहती है. I have to be okay with all that. तुम्हारी कोई स्टॉकर है जो तुम्हारे होटल रूम में आके पता नहीं क्या क्या करती है. I have to live with all that. और मेरा एक दोस्त मुझे मिलता है and he hugs me and he's being touchy feely. और तुम upset हो जाते हो. अनाइशा लखनऊ के लिए निकल चुकी थी. मेरी लाइफ में पहले जैसा कुछ नहीं रहा था. सब कुछ बदल रहा था. फिर भी मैं ऐसे जी रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है. किसी की शक्ल पे दिखने वाली हंसी से कभी कभी ये छुप जाता है कि उसकी कितनी गई हुई है. ये देखो, ऊपर से गोवा का आनंद और अंदर से लग गया. खैर छोड़ो. कौन सा दारू पीती है? बहुत बहुत क्रीपी है और बिल्कुल फनी नहीं है. अरे गाइस एक सेकंड ना. टेल हर नॉट टू ड्रिंक द व्हिस्की. डोंट नीड द सस्ता वन. व्हाट आर यू? हो गया तुम्हारा? हेलो, मिसिंग मी? लिसन, जो जो तुमने स्टीम रूम में किया ना, आई कैन रिपोर्ट यू टू पुलिस. ओके, मैं तुम्हें चाहती हूँ कियान, एंड आई नो कि तुम भी मुझे पाना चाहते हो. अब तो मैंने तुम्हें टेस्ट भी कर लिया है. तुम्हारी फियांसे तुम्हें वो सब कभी नहीं दे सकती जो मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ. वन नाइट, वन वाइल्ड पैशनेट नाइट. लिसन, आई कांट. ऑफ कोर्स यू कैन. तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैंने क्या क्या सोच रखा है. तुम्हारी बुक भी शर्मा जाए. तुम्हारे रिजॉर्ट के बाहर एक रेलवे ट्रैक है. रात के 9 बजे वहाँ एक राइड गाड़ी खड़ी होगी. मीट मी देयर. बाय. गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और मर्द की जब बर्बादी आती है वो एक गलत लड़की की तरफ भागता है. सब छोड़ के, सब कुछ अनदेखा करके कि भाई लो जाने मन, मैं आ गया, अब लगा दो मेरे लोड़े.
Hi, my bubu. What the hell, Kashti? हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? What? Listen, don't be stupid. Kashti, are you mad? Shh. You're doing. अब तो you leave me alone, right? यही करना चाहती थी ना तुम? नहीं. कुछ देना भी था. क्या? क्या ये? Open it. लिफाफे जिंदगी की तरह दो तरफा होते हैं, या तो आपको आबाद करते हैं या पूरी तरह बर्बाद. क्या जल्दी काम कर, बाहर भी फूल लगाने हैं. Bloody small town types. We need to talk. Kiyan, तुम तो engagement वाले दिन आने वाले थे. कोई शादी वादी नहीं होने वाली है. It's over. डर मुझे भी लग रहा है Kiyan. I know all these pre-wedding jitters. क्या प्यार से समझ में नहीं आ रहा है? Should I get a scene over here? Kiyan, it's done. What are you talking? I'm done. For good. Kiyan, what are you? उसके लिफाफे ने सब कुछ बदल दिया था. बॉम्बे वापस जाने से पहले I had to meet my lawyer किसी भी तरह, ये समझने के लिए कि मैं कितने खतरे में हूं. मेरा जो कैरेक्टर है वो सेफ है या नहीं? यार वो तो जज पे डिपेंड करता है. अरे जज पे डिपेंड करता है मतलब? लड़की ने लड़के को धोखे में रखा, बात तो साफ है राइट? केस तो डेफिनेटली बनेगा. ऐसे मामलों में कोर्ट की जो सिंपैथी है ना वो लड़की की तरफ ज्यादा होती है. हम फिगर आउट करते हैं. हमारे लॉ में काफी लूप होल्स है. फैंटास्टिक फैंटास्टिक फॉर द कैरेक्टर माय बुक. उसके लिए आई एम हैप्पी फॉर हिम. लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है. कहाँ जाओगी बेटा? फिर से उसी घर में? वो मेरा भी घर है माँ, लीज मेरे नाम पे है. अनु, दो चार दिन में उसे अकल आ जाएगी. अकल तो मुझे आ गई है पापा. रियलिटी से भागने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा. उसने ऑलरेडी मेरी बहुत लाइफ बर्बाद कर दी है. डोंट वरी. Everything will be all right. कोई शादी वादी नहीं होने वाली है. It's over. क्या बोल रही हो? तुमने कहा कि तुम्हारे बुक का कैरेक्टर एक सेलिब्रिटी है राइट? किसका फोन है? बंद कर. ये तेरी फ्रेंड की बुक है ना, जरा मैं भी तो देखूं इसमें क्या लिखा है. कुछ टिप्स लेते हैं. पेन एंड प्लेजर वर द सेम, ही नो दैट बट ही हैड टू मेक हर अंडरस्टैंड एंड द ओनली वे टू डू दैट वाज टू मेक हर एक्सपीरियंस बोथ like she had never experienced before.
नाइस। आज मैं तुझे पेन और प्लेजर दोनों एक साथ दूंगी। कमीने। कियान, तेरा भाई अभी प्लेज प्लेज पूजा कर रहा है, तुझे मैं फोन करता हूँ। यार, इससे पहले कि कुछ और बिगड़े मुझे बस लखनऊ से इस कंट्री से बाहर जाना था। कहाँ पता नहीं, बस दूर, बहुत दूर। Yes, I just align these things. We'll be sorted. Varun, Kiyan से तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हो, कॉल्स नहीं ले रहा है। एना भी कॉल्स नहीं उठा रही है। परसों उनकी एंगेजमेंट में जाना है या नहीं जाना है? अरे, he had called me, I missed his call. Then I called him, he didn't answer. अजीब है। And someone by the name of Kashti had called me. वो भी एक पीस है। कह रही थी Kiyan के बारे में कुछ बोलना है। कुछ तो चल रहा है यार, मतलब Listen, I told you before, I do not owe you an explanation. मेरे बच्चे मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं, ओके? प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस एंड डू नॉट कॉल, आई एम वेरी बिजी। बाय। लता, हैव यू मेड प्रॉब्लम्स अगेन? आर यू मैड? मैं लता से ऐसे बात करूंगी? तो देयर वाज दिस गाय आई मेट एंड वी हैड दिस काइंड ऑफ अ फ्लिंग सिचुएशन एंड एज यूजुअली इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिकटार्ड एंड सो क्या हुआ तुम्हें? My glutes, I'm tightening my core muscles. तुम्हें लगता है स्कोर करने में हेल्प होगी? Dream on. Stop doing that. That's looking very wrong, Varun. Is this shape better? चुप. I'm just tighter. Kashti, you're expecting me. I was? Didn't you say some chick? Hey, not some chick, my dear. Kashti, sunai nahi diya? Kiyan's girlfriend. Kashti. Wait, the stalker. You knew about the stalker? When were you planning to tell me? Listen, guys. Ye husband-wife wali nok jo, please baad mein kar lena. Right now, I need you guys to listen to me, okay? You're not husband and wife. Bhai, behan, whatever. I'd say whatever you guys have to do with Kiyan's PR, social media, anything, you will have to run it by me, okay? You guys need to pull up your socks a little. Hold on. Are you retarded? Tumne suna nahi? Kiyan is going to get engaged parso, Lucknow mein. Are you deaf? Sunai nahi de, I'm Kiyan's girlfriend. Idiots or what? I mean, whatever. Do we give that husband-wife vibe? Do we? I'll call Kiyan. अरे बोला ना यार, यूएस नहीं तो यूके, यूके नहीं तो कनाडा यार। जस्ट मी आउट ऑफ योर बेड टुनाइट बड़ी। सर तो मतलब यूके, यूएस और कनाडा इन सब का वीजा है आपके पास? अबे क्या नहीं हूँ वीजा, ऐसे तो मैं कह रहा हूँ यार। रीजन क्या बताएंगे यहाँ आपका वीजा इवेंट? केयर यार, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, बचेगा नहीं मुझे पता नहीं। सर आपका भाई कहाँ है?
सुन तेरे तुझसे क्या लेना देना, मेरा भाई यूएस में, यूके में, कनाडा में है, मेरा भाई है, जहां मर्जी होगा। अरे सर सर गुस्सा मत होइए, मैं गेट पासपोर्ट इससे ज्यादा थ्रिल्ड कभी फील किया है लाइफ में? लाइफ में आदमी को जब डर लगता है वो सबसे पहले भागने की सोचता है। एक तरफ ना चाहते हुए भी मैं अपने प्यार से भाग रहा था और दूसरी तरफ चाहते हुए भी उससे नहीं भाग पा रहा था। Why, 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 why? तुम मुझसे दूर होते हो ना, तुम मुझसे सांस भी नहीं ली जाती, इसीलिए ना मुझसे कभी दूर जाने की कोशिश भी मत करना। तुम जो ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। मेरा पासपोर्ट मत। ज्यादा सवाल मत करो, आज हमारी बाकी की जिंदगी का पहला दिन है, सेलिब्रेट नहीं करोगे? मतलब हम मूव इन कर रहे हैं बेबी, साथ में। अच्छा मैं तुम्हें डायरेक्शंस भेज रही हूँ, एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। फिर से भागने की कोशिश मत करना, गॉट इट? बाय। क्या हुआ सर? श्रीराम चौक आ गया। एक काम करो, आगे यहाँ से लेफ्ट लो। सर कहाँ जाना है? अबे यार पता होता तो बताता नहीं क्या मैं तुम्हें, जितना कह रहा उतना करो ना यार, सीधा लो खड़ा कर। सर क्या? फिर से हम वहीं आ गए जहाँ से निकले थे। अबे यार एक सेकंड रुको। हेलो। हाय। अरे तुम तो गलत गली में आ गए। क्या? अरे तुमने तो बोला था ना यार टर्न लेने के लिए। आई नो, बस तुम्हें अपने इशारों पे घुमाने में बहुत मजा आ रहा था। जस्ट टेक अ यू टर्न नाउ एंड कम स्ट्रेट, अब पक्का सही जगह पे बुलाऊंगी। यू टर्न लो। ये क्या मजाक है कश्ती? वेलकम होम। होम? मैं यहाँ रहता हूँ। What are you doing? कश्ती, ये मेरा घर है। और तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ? Left, right? I mean, how are you finding all of this out, यार? Okay, there's this new app. जब तुम सो रहे थे ना, मैंने अपने फोन से तुम्हारे फोन पे इंस्टॉल कर लिया। तुम जहाँ भी जाओगे, your locations and everything, they'll be synced on my phone as well. Cool, ना? कश्ती, प्लीज हम बात कर सकते हैं? हमारे घर पे। चलो लेट्स गो। कश्ती वेट, लिसन टू मी। अभी तक जो भी तुमने कहा है मैंने माना है, राइट? प्लीज डोंट मेक मी डू दिस यार। लेट्स गो, कम लेट्स गो। लेट्स गो। प्लीज भी नशा के नाम पे, प्लीज यार, प्लीज कम ऑन नाउ। प्लीज डोंट मेक मी, जस्ट कम ऑन, कम कश्ती, प्लीज यार कम।
मैं अनायशा के लिए नहीं कर सकता. Not after what I've done to her. You're such a turn on. तुम अनायशा के नहीं हमारे घर जा रहे हो. कम कम what do you want यार कश्ती? तुम पागल होगी हो क्या? I want you, my darling. Let's go. चलो ना, बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ. Nice, na? Everything is the same. Karthik, Kashti, toh mere ghar jaisa hai. Tumhe kaise pata ye? Hamara ghar. What? Pura naksha, ek ek cheez same hai. Listen, Kashti, enough. Tum chahti kya ho yaar? Tum kya kar rahi ho yaar ye sab? Kyun? तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो सब मिले जो तुम चाहते हो. तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा, राइट? 24th September, 8:30 PM. That's when everything changed for us. JW Marriott Hotel. तुम वहाँ डिनर करने आए थे और मैंने तुम्हें पहली बार देखा. देखते ही समझ गई थी तुम्हारी घुटन, तुम्हारी तड़प. यू आई न्यू यू वर ट्रैप. आर यू क्रेजी? शी नेवर अंडरस्टूड यू. वो तुम्हें समझ ही नहीं पाती जैसे मैं समझ पाती हूँ. अब तुम आजाद हो, अब वही होगा जो तुम चाहते हो. यू लॉस्ट इट. तुम ऐसे मुझे फोर्स नहीं कर सकती हो. फोर्स? डिड आई फोर्स यू इन क्लब ओएसिस? Did I force you in Goa? तुम मेरे पास आए थे क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें वो दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो. कम कम. Pain and pleasure are the same thing. ये सिर्फ हम समझते हैं और कोई नहीं समझता. Let me show you what I can do for you. बस में तुम सिर्फ 17 साल की हो. तुमने अभी एक माइनर के साथ किया है. तुम्हें नहीं लगता तुम मुश्किल में फंस गए? इससे ज्यादा थ्रिल्ड कभी फील किया है लाइफ में? प्लीज 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 लता, मेरी बात तो सुनो. ऐसे तो कोई अपने बेवड़े पति को भी नहीं डम करता है. मैं मानती हूँ वो मेरे बच्चे, पर तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? रुको, मैं कॉल बैक करती हूँ. चित्रा, वी आर नाउ लाइव फॉर योर FP इंटरव्यू. अनुज पूछ रहा है आप दोनों एक साथ इतने अच्छे कैसे दिखते हो. डार्लिंग, कपल स्टार्ट स्लीप टुगेदर, लुक गुड टुगेदर, राइट? What's the secret of your hot bod? First thing in the morning, I have some eggs. अंदर क्या चल रहा है? मैम, उसने कहा हम लोग को लगा कि आपके आइडिया है. Who the fuck said what? कश्ती, कियान सर की. Yeah, girlfriend. FB live पर कपल सेशन कर रहे हैं.
Oh yeah, these are your fans and they want to know about your chemistry, so... Oh my god, look at what he's saying. Hello guys. Aren't we just tired of seeing them together already? Bye now. Ciao. Out. I said out! Excuse me. Are you sure तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? बोला ना baby, I'm fasting for you. Honestly, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Let me decide that. क्या ड्रामा है यार? Baby, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे balls मेरे हाथ में हैं. मुझे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कश्ती. लुक, मैं जानता हूँ तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो. आई एम नॉट दैट अनग्रेटफुल. लेट मी मेक इट अप टू यू. कैसे? हाउ अबाउट अ हॉलिडे? रियली? ओह माय गॉड, डू आई गेट टू डिसाइड कि हम कहाँ जाएंगे? कश्ती, दैट्स द लीस्ट आई कैन डू, राइट? ग्रेट, कूल देन. क्या कहते हैं, मैं कल सुबह सब प्रोसेस शुरू कर देता हूँ. हाँ बस वो यू नो घर जाके हम दोनों के पासपोर्ट्स मुझे दे देना, बिकॉज देन आई कैन यू नो गेट द प्रोसेस स्टार्टेड. या एक्चुअली नो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपना बुक छोड़ के इन सब लॉजिस्टिक्स में पढ़ो. टिकट, वीजा, पासपोर्ट सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी. तुम मुझे सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड और उसका पासवर्ड दे दो. कूल? You know what? Actually, no. हम ना साथ में एक joint account खोल लेते हैं. How romantic! I mean, I've always wondered is तुम्हारा और मेरा नाम साथ में एक checkbook में. Imagine how cute! Unless you don't trust me with your money. Very funny. Anisha. अरे what happened? क्या हो गया? Loo, silly. Too much. It's liquid. It's that. Okay, chill. यार last show है. Vanessa, we need to talk. You need to. Dude, avoid. Hey, buddy. मुझे बस 20 second दे, मुझे बात करनी है इसे. ठीक है, just मैं request कर रहा हूँ तुझसे. Listen, I think you are drunk. इसने तुझसे बात नहीं करनी. समझा? Just leave. Anisha, please. यार ये मुझसे ज़्यादा important हो गया तुम्हारे लिए. हाँ हो गया. वो तो इसने मुझे रोक लिया वरना लखनऊ आके वहीं फोड़ता तुझे. समझा? Relax. फोड़ देना, ठीक है? क्या? अभी मुझे 30 सेकंड दे, मुझे बात करनी है Anisha से. Nimish, can we please go from here? Nimish? Please. Kiyan? I can explain. I mean, how can you like this kabad khana? Ek to bathroom ke aage itni lambi line, andar gayi to toilet paper bhi nahi tha. Exactly. Main tumhe yahi kehne wala aane wala tha. I was like, standards gir gaye jagah ke yaar. Come, let's go home. Let's go home, baby. Let's go home, baby. Kiyan, I forgot to tell you. Kal subah tak, no also. Meri fast ki wajah se. But I promise that I'll make it up to you, my boo-boo.
अनाशा, अनाशा, get up, get up. क्या दी? It's okay. किसने? Oh, that fucking name is you, right? I'll kill that fucking bastard. करना चाहता था, मना कर दिया मैंने. पर उसने जो किया है, वो eventually ठीक हो जाएगा. जो तुमने मेरे साथ किया है. Anasha, please. Just leave me. संभल कर. Are you okay? Don't touch me. Anasha, just come inside now, please. One second. ये क्या nonsense है Kiyan? Shh. Okay. Anasha, just give me 2 minutes, please. 2 minutes के लिए मेरी बात सुनो, please. तुम इतने बेशरम हो कि मुझे और मेरे माँबाप को humiliate करने से पहले you were that slut. I know I fucked Anasha. No, you dick. और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, you're going to dump her also or what? Anasha, she's 17. What? She's 17. Minor है वो. She tricked me, Anasha. मम्मा मुझे blackmail कर रही है यार वो. Look, Anasha, I know. It's all my fault. मेरी गलती. I fucked big time, but like she was hot और मुझे tempt कर रही थी and I tried to resist, but मैं फिसल गया यार. I never wanted to hurt you, Anasha. I love you. But this whole minor bullshit, yaar, मुझे मेरे पीछे पड़ minor लगती तो नहीं है. तुम्हें कैसे पता? उसका birth certificate देखा है, Anasha. Birth certificate? India में? एक certificate की वजह से you fucked me over and destroyed everything. I'm sorry, Anasha. Get out. Just get out. You moron. तुमने एक बार भी पता करने की कोशिश की कि वो सच में माइनर है या नहीं? हाँ, हजार तरीके होते हैं. डीएनए टेस्ट होता है. तुम क्यों करोगे? You wanted a slut, you got a slut. सारे अरमान पूरे करती होगी ना Kiyan? Out. Just get the fuck. क्या कर रहे हो? तुम तो क्लब गए थे ना? What are you up to, Kiyan? कहीं तुम? Are you mad or what? मैं उसके क्यों जाऊंगा कश्ती? I was going for some meetings तो ये पहन के? I'm not in a corporate job यार. मैं वो नताशा से मिलने जा रहा था ना वो next book के लिए. Oh my baby, तुम कितना जल्दी डर जाते हो? ये सब सामान किसके लिए? Who has a questions in this relationship? जल्दी से मीटिंग खत्म कर लो और टाइम पे वापस आ जाना. We have a guest coming over. कौन? चलो हिंदी में ही पूछती हूँ. कौन पूछता है सवाल इस रिलेशनशिप में? You. Good. Bye. कब से वेट कर रहे हैं? I had no idea कि तुम लोग यहाँ. Even we had no idea क्या? अब मुझे कोई ये बताएगा कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? अरे वो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना तेरे बुक के बारे में. So उससे क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं पता. मैडम से बात करनी पड़ेगी आजकल. ये तो सब कुछ डिसाइड कर रही है Kiyan के लिए. नताशा, just guys, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं. I get it, but हम लोग बात करके सॉल्व कर सकते हैं, right? Like बात करना चाहिए. एक सेकंड. मैच्योर. एक सेकंड. You said misunderstandings. So I believe I must have misunderstood when you told us कि हमें तुमसे orders लेने पड़ेंगे. That's not what I said. From what I heard, it was you guys need to pull up your socks. अरे इसको कपड़े उतारना और हमको कपड़े पहनना सिखा रही थी. नताशा, please बैठ जाओ यार. Really? तुम बोलो ना. और कुछ बोलने तुमको? हाँ बोलो. Mr. Hotshot Author, Sex God, और कुछ है? क्योंकि ये सब जब चल रहा था, you were okay with it. Listen. जो हुआ प्लीज भूल जाओ यार. आई मीन आफ्टर ऑल वी आर ऑल इन द सेम टीम, राइट? व्हिच टीम इज दैट? Kiyan sluts? सॉरी लेडी, आई डोंट बिलोंग टू दैट टीम. लुक एट हर, सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रही है. लुक एट हर एटीट्यूड. एटीट्यूड? दिस इज नॉट इन द हाफ ऑफ माय एटीट्यूड. यू वांट टू सी माय एटीट्यूड? कम ऑन, 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 अरे यू गो टू द जिम ना बाबा. मेरा तो क्या. छोड़ लग जाएगी कश्ती.
क्या मजाक लगा के रखा है यार? तो खूबसूरत लड़की आपस में झगड़ते हुए अच्छा लगता है क्या? रुके क्यों? What? रुके क्यों नहीं? रुके क्यों नहीं? पहले ridiculous. Hashtag ridiculous. What is he saying? Natasha, come. Take it. Exhausting me! Bring it on! Lady bitch! What was that? I don't know. ये इसलिए हुआ कि तुम मेरे लिए ऊपर उस कश्ती के सामने उठ खड़े हुए या लता के छोड़ के जाने का नर्वसनेस है? लता अब चली गई? हाँ यार, ना एक कॉल ना एक व्हाट्सएप, अब मैं Oh my God, मैं चार बच्चे कैसे संभालूंगी? Oh shit! Check it यार, क्या करना है? She's off. Yeah, it's okay. She's off. Concentrate. The moment has passed. Okay? Just let's go. मुझे I have to figure out a lot of things now. अब तक बिल्कुल चमन चुतिया बना हुआ था मैं, पर अब वक्त था बाजी पलटने का. और उसका एक ही रास्ता था. Are you up? Harvin, what happened? I don't know how to say this. Meera ji ko kuch ho gaya hai. What? Kaise tumhe batau, samajh mein nahi aa raha hai. Kya bol kya rahe ho tum? Kahan par ho tum? LA mein hoon. Tina this place. What do you mean by here, please? What happened? She's killed herself. That's not possible. Are you? I don't know kaise, kyun. There's no letter. No idea, Kashti. I'm so sorry. Listen. Don't bullshit with me. What are you saying? Just be brave, okay? And come here soon, please. Yeah. Kya hua bhai? What's happened? Kiyan Roy. What's up? Kya ho gaya? Tina. Hmm? Tina is my sister. She's dead. I'm so sorry, baby. मुझे पता नहीं था यू हैव अ सिस्टर. क्या क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? यूएस में थी मगर पापा के पास ट्रीटमेंट चल रहा था. It's okay. सच बोलूं तो 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड के लिए मुझे कश्ती के लिए सिंपैथी हुई. और फिर मुझे फोन पर दिखा वो चेहरा. टीना फकिंग अवस्थी. ये कहानी जहां लगता है खत्म होगी,
वहां नई शुरू हो जाती है। टीना, मैंने अभी अभी तुम्हें कहा कि मेरी बहन मर गई, यू डोंट इवन केयर। दैट्स नॉट द केस, बस मैं बहुत शॉक में चला गया था यार, सॉरी। शॉक? यू डोंट इवन नो हर सिस्टर। इट्स जस्ट द आईडिया ऑफ इट, यू नो। यू नो एक्चुअली व्हाट, छोड़ो उन सब चीजों को, बताओ हाउ कैन आई हेल्प यू? यू कम। क्यों? व्हाई? शी इज डेड और मैं उसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। टेल मी ना, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। वीजा दिला सकते हो? वो यूएस में थी और मेरे पास वीजा नहीं है। अगर मैं नॉर्मली अप्लाई करने जाऊंगी तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। डोंट वरी, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, ठीक है? हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे ट्रस्ट मी, ओके, मैं बात करता हूँ उससे। रिवेंज प्लॉट है। कश्ती अपनी बहन का बदला मुझे लेना चाहती है। आर यू इवन लिसनिंग टू योरसेल्फ? बहन का बदला सच लाइक अ वेरी शिट 80s की फिल्म। इट्स एंट्रैपमेंट, प्लेन एंड सिंपल यार। पहले उसे मुझे स्टॉक किया, फिर सेड्यूस किया, फिर फंसाया ताकि वो टीना का बदला मुझे ले। इज दिस टीना? पहले तो कभी उसके बारे में नहीं बोला। बे मैं क्या बताता कि बेब आई मेट दिस गर्ल, वो साइको है, वो शी सेक्स me and wants to be, wants to try kinky and BDSM shit. मैं क्या बताता तुम्हें यार? अनायशा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था यार। That bitch was crazy. Excuse me. Hi. I'm so sorry. I know आज का time fix हुआ था, but मैं सरावर था टू रश ऑफ। लेट मी स्केड्यूल समथिंग फॉर नेक्स्ट वीक। एनी आइडिया उन्होंने मेरी बुक पढ़ी है या नहीं? आई एम सो सॉरी, शी हैज बीन वेरी बिजी। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मैंने आपकी बुक पढ़ी। I think it's fantastic. Thank you. I know how it is for a first time writer. Yeah. मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। But यहाँ नहीं, शाम को 7 बजे अगली गली में एक कॉफी शॉप है, वहाँ। Sure. By the way, मेरा नाम टीना है, अवस्थी है, टीना अवस्थी है। और मैं आपका नाम तो मैं जानती हूँ। मुझे लगा she's an insider, मेरी बुक पब्लिश करने में मेरी हेल्प करेगी, but how did I know that she'll be like a full on nutcase यार? तो तुम ये कह रहे हो कि वो तुमसे obsessed हो गई और अरे obsessed नहीं, obsessed यार, but it's टीना के बारे में नहीं बात करते हैं यहाँ पर। बात ये है कि कश्ती टीना की बहन है और वो ये सब कर रही है मेरी जिंदगी में क्योंकि हम सब act like कि वो सब उसकी वजह से हुआ है। You fucked my life the day you fucked that minor. और ये सब जो है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। ओके फाइन, आई एग्री अनायशा, मेरी गलती है। मैंने कब कहा कि मेरी गलती नहीं है यार, पर जो कश्ती मेरे साथ कर रही है, मैं क्या करूं? मुझे कोई मतलब नहीं है। आई नीड योर हेल्प बेब। डोंट फकिंग कॉल मी बेब। ओके आई एम सॉरी यार, बट आई स्टिल नीड यू। तुमने सही कहा था कि आई हैव स्पॉइल्ड अ रिलेशनशिप एक सर्टिफिकेट को लेकर। वो फर्जी भी तो हो सकता है, इनफैक्ट आई एम श्योर। अच्छा, नाउ यू आर श्योर? अब शोरों के क्या फायदा है यार? अनायशा प्लीज यार, तुम ही ने कहा था ना कि एक सिंपल सा डीएनए टेस्ट प्रूफ कर सकता है कि वो माइनर है कि नहीं। सी, तुम उसके बाल काट के लिए आए? ऑफ कोर्स अनायशा, बट डीएनए टेस्ट के लिए प्लीज यार, एक तुम ही हो, प्लीज हु कैन हेल्प मी आउट दिस ड्रामा। कियान, इसका रिजल्ट आते ही मैं तुम्हें बता दूंगी। और सुनो, तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूं ये, शी इज रेक्ड माय लाइफ आल्सो। ये खत्म होता है ना, उसके बाद तुम दिखना मत मेरे आसपास। I'm really sorry, I was out of line. मुझे कोई राइट नहीं था आप लोगों को ऐसे इंसल्ट करने का। यू गाइज आर नॉट जस्ट हिज
पब्लिशर्स बट यू गाइस आर हिज फ्रेंड्स हिज फैमिली और आज कियान जहाँ तक भी पहुँचे आप लोगों की वजह से पहुँचे आई एम जस्ट अ स्टूपिड किड इन लव आई एम रियली सॉरी आई इट्स ओके कश्ती आई थिंक दे गेट इट अब मुझे इन लोगों से बात करने दो ठीक है थैंक यू आई एम सॉरी अगेन गाइस चलो बाय प्लीज यार एक तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो यार हेल्प यू तुमने कहा था वीजा इसको चाहिए वीजा इसे चाहिए पर मुझे मेरी लाइफ वापस चाहिए जो तभी मिलेगी जब ये मेरी जिंदगी से निकलेगी यार डोंट यू गेट इट जो भी हुआ है इसकी वजह से हुआ है मेरी एंगेजमेंट इसने तोड़वाई है तुम लोगों से झगड़ा इसने करवाया है यार यार पिसिंग यू ऑफ टेकिंग ओवर सोशल मीडिया टू ऑल ओवर इसने मुझे पूछा तक नहीं यार और तुमने होने दिया यू लेट इट हैपन राइट डिक वाज रनिंग योर लाइफ इट्स नॉट लाइक दैट यार तो क्या है कियान क्या है हाउ कैन यू जस्ट हैंड योर लाइफ एंड से जा सिमरन जा मार दे मेरी जिंदगी सही जस्ट प्लीज ट्रस्ट मी नताशा यार मैं ऐसा क्यों करूंगा यार व्हाई वुड आई वांट टू माय लाइफ माय वर्क माय एंगेजमेंट्स माय फकिंग फ्रेंडशिप्स व्हाई ही इज राइट नताशा हम भी तो सोच रहे थे कि क्या हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते फाइन क्या चाहिए तुम्हें हाय गुड न्यूज़ नताशा मान गई है फाइनली बहुत मनाना पड़ा उसे वो अपने कॉन्सर्ट के कॉन्टैक्ट से बात करेगी एंड तुम्हारा वीजा रेडी हो जाएगा थैंक यू मुझे पता था तुम मुझे कन्विंस कर लोगे एनीथिंग फॉर यू बेब कहाँ हो तुम घर कब आ रहे हो हाँ मैं रस्ते में ही हूँ आई नो दैट यू रियली नीड मी राइट नाउ आ रहा हूँ मैं आई लव यू मी टू चलो बाय एक बार डीएनए टेस्ट आ जाने दो बिच एंड देन यू बी हिस्ट्री तुम कियान की मदद करोगी ना देखते हो अपने कॉन्सुलेट फ्रेंड से बात करके एनीवे अच्छा ही है दिस कश्ती व्हिच इज आउट ऑफ हिज लाइफ सून वैसे अब सब कुछ लाइन पे आ रहा है ना हाँ आई हैड अ गुड फीलिंग अबाउट टुडे बिकॉज ऑफ लास्ट नाइट ऑब्वियसली नो सच्ची ऑफ कोर्स इट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी मेरे लिए भी इट वाज द बेस्ट नाइट ऑफ माय लाइफ हाँ लता बच्चे आ गए नाइस उनको खाना खिला के सुला देना ओके बाय बाय थैंक यू सो मच बाय लता हाँ माय हाउस आई नो बट वो तो भाग गई थी ना अरे वही तो वापस आ गई कल जब मैं घर गई थी ना वो वहीं पर थी फुल सॉरी वॉरी वाला जोन और उसने तो कसम भी खा ली कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी आई एम सो ग्लैड एंड सो रिलीव्ड सॉरी तुम कुछ बोल रहे थे लास्ट नाइट वाज स्पेशल बिकॉज लता केम बैक व्हाट वर यू थिंकिंग एक्सक्यूज मी सोती है तो परी लगती है छोड़ के जाएगी तो देवी लगेगी देवी भगवान एक इशारा प्लीज हेल्प रिजल्ट मिले बैठो डिड यू स्लीप विद दिस टीना व्हाट No, no, यार, yeah, but I told you that she was obsessed with me, right? वो मेरे साथ ये सब करना चाहती थी. और तभी भी तुमने कभी जरूरत नहीं समझी मुझे बताने की. अरे यार, Anisha, I didn't want to scare you, I didn't want to freak you out, man. सच बोलूँ तो I was afraid that कि तुम ये ना सोचो कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है. तुमने अभी कहा. Babe, she was a psycho, यार. उसने मुझे कहा कि उसे भी राइटर बनना है. वो मुझे अपनी कहानियाँ भेजती थी, you know, for my inputs and all of that. They were not stories. They were her erotic fantasies about her and me. She started thinking that कि हम दोनों एक relationship में हैं. And then she started maintaining this diary, जिसमें वो लिखती थी about
you know, her and mine imagined meetings, sexual encounters. और तुमने तभी कुछ नहीं किया? Yeah, nice. I cut off na. I blocked her completely. फिर वो गायब होगी मेरी ज़िंदगी से यार. पर फिर कल मैंने वो कश्ती के फ़ोन पे उसका चेहरा देखा तो. Anyway, Anisha, all this is not the point. Point Kashti ke baare mein. Please tell me that you've got some good news. I'm sorry, Kiyan. Mujhe bhi lag raha tha ki wo jhooth bol rahi hai aur uska certificate nakli hai. Par DNA report mein to likha hai ki she's actually 17. This can't be. I'm sorry. आप क्या करोगे? इसमें कोई शक नहीं था कि कियान रॉय की लग चुकी थी, लेकिन कियान रॉय इतना चुतिया भी नहीं था कि बिना फाइट मारे चुतिया कहलाए। और मैं आपका नाम तो मैं जानती हूँ। अरे सुनिए सर, ओ सर, सर एंट्री कीजिए जरा। मैं आके करता हूँ भाई। सर एंट्री कीजिए जरा। भाई साहब ये वो 201 में टीना वसी रहती है ना? वो तो गई साहब। किधर? मालूम नहीं साहब, काफी टाइम से बंद है, सुना है यूएसए चले गई। उस फ्लैट पे कोई रहता है कि खाली है? खाली है साहब। कहाँ खो गए साहब? चलो। टीना? This is for you. Just in case तुम मुझे कभी सरप्राइज देना चाहो, क्या पता एक शाम में घर आओ और एक डेंजरस स्ट्रेंजर मुझे पीछे से आकर अटैक कर दे और फिर स्टॉप इट यार टीना। ये भूतिया घर मुझे ये याद दिला रहा था कि कैसे मैं सालों पहले मुझे ब्रेक चाहिए था और टीना मेरी सीढ़ी थी जिस पर चढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहता था, पर टीना भी मुझ पर चढ़ना चाहती थी लिटरली। Oh.
हेलो, तुम मेरे कमजोर होने का फायदा उठा रहे हो? वेट व्हाट? डोंट फक विद मी कियान, कहाँ हो? अरे मैं बाहर हूँ यार, व्हाट्स रॉन्ग? आवाज से ना ये एटीट्यूड निकाल दो। आई एम नॉट दैट काउ अनायशा, जब मैं सवाल पूछूंगी तुम जवाब दोगे। करेक्ट? अरे अब यू डोंट ट्रस्ट मी ना? ओके गिव मी अ मिनट। सी, अरे बाबा मैं सो नहीं पा रहा था तो आई जस्ट केम फॉर अ वॉक। सी मैं वापस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आई एम सो सॉरी बीबी, मैं कभी कभी थोड़ा हार्श हो जाती हूँ ना। इट्स ओके, आई जस्ट डोंट वांट टू लूज यू, यू नो दैट। कम बैक टू मी, ओके? हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। दो बहनें आपके दिमाग और आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ तो अंदर से एक ही आवाज आती, भाग भाग। पर भाग के जाता तो कहां? You know what? I don't think I'm meant for happiness. Don't say that. I mean, तुम टीना की वजह से परेशान हो, फैमिली ना भी कहीं। What about you? Will you heal me? I need you, baby. तुम मुझे छोड़ के भागने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? Listen, I've lost my sister. I'm not gonna lose you, okay? मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहीं बैठा हूँ तुम्हारे पास। Do you know? I think we could use a drink. No? Right? That's good. Yes. तुम अगर होते ना टीना दी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। Are you okay? Yeah, I'm good. I'm good. जिसने भी ये सब किया है ना, he is going to have to pay for it. काश टीना दी के साथ तुम होते जैसे तुम मेरे साथ हो। You know, she was such a kind, gentle, innocent soul. तो कभी किसी को गाली तक नहीं दी थी। Oh shit! You want a tissue? I'm sorry. थोड़ी nervous हूँ. Actually, पहली बार किसी author के साथ बैठी. मैं author कहाँ बनाऊँ? अभी तो कोई publisher मेरी manuscript भी पढ़ना नहीं चाहता. तुमने कहा था ना वो. हाँ, yes. ये है पब्लिशर्स का डेटाबेस, एडिटर्स, जॉनर्स। आई होप तुम्हारे कुछ काम आ जाए। कुछ? दिस इज सॉलिड फकिंग गोल्ड। ओह शिट, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज माय फ्रेंड। प्लीज सॉरी मत बोलो, मैं भी कभी कभार बोल देती हूँ। क्या? एग्जैक्टली क्या हुआ उनके साथ? आई मीन वो मतलब वो मेंटल इंस्टीट्यूशन क्यों? व्हाट हैपेंड? यू नो व्हाट के, इवन इफ आई हैव टू रुइन माय सेल्फ ना, मैं उसको आई एम नॉट गोना लीव दैट गाय, दैट ब्लडी गुलशन, द गाय। टेल मी वन थिंग, कोई किसी को इतना इतना पागल कर दे कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो? सर यू पॉसिबल? मुझे लगा था आई गॉट हिम, बट देन ही रेज्ड हिज ट्रेल। कैन यू हेल्प मी टू फाइंड दिस गाय? जस्ट वांट टू चॉप ऑफ हिज। अनायशा,
Can I ask you something? Kya hum kabhi, you know, can we ever, do you think we can ever get back to normal? Like how we were? Matlab abhi nahi, you know, sometime in the future. Why did you call? अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो मुझे पागल तो नहीं समझोगी ना? What is it? अनायशा ये दोनों बहनें पागल हैं। And मुझे लगता है कि टीना is not dead. It's like she's watching over me all the time, यार. Meet me later. Okay. क्या बात है मिस्टर इंडिया? और क्या गायब है कल से? क्या बात है भी? ना पहले जैसे बात कर रहा है, ना पहले जैसे इरिटेट कर रहा है. मेरा इरिटेट करना मिस कर रही हो? सॉल्क स्मिता, तुझे पता है तुझे देखकर मुझे किसकी याद आती है? या लता मे बी. क्या है? कुछ भी तो नहीं. तो खाने में क्या है लंडू? सीरियसली यार, तू तो पूरा हस्बैंड मटेरियल है. कायरा को कब सिरप पिला दिया है, कायो को नहला दिया है, जियान के लिए ऑमलेट बना दिया है और कृषभ को दूध पिला दिया है. व्हाट? कुछ नहीं यार, वेस कियान. मैं तब से उसको चेस कर रहा हूँ, आई कांट गेट थ्रू हिम यार. वो लॉन्च की वो डिस्कस करना था, वो स्ट्रेटजी. वेस ही, यू नो, आई थिंक आई नो, बंदे ने कुछ तो कांड किया है जो बता भी नहीं पा रहा है और छुपा भी नहीं पा रहा है. लिसन, कैन यू प्लीज कम हियर? बेबी, क्या हुआ? ये यहाँ एक ब्लेड था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया. तो तुम्हारे रेजर से गिर गया होगा और भाई ने उठा के रख. अरे बड़ा यूज एन इलेक्ट्रिक ट्रिमर. हो रहा. इट्स अ बाथरूम, इट्स अ ब्लेड. तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? Don't freak out, baby. तुम ऐसे freak out करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के यूज़ कैसे जाऊंगी? ऐसा लगता है तुम बहुत दिनों से सोए नहीं हो. You need rest, okay? Come, let's go. है मुझे यहाँ और वो भी ऐसे? अनायशा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही हो. You want me to leave? Just sit down now. Bed job, please. Focus करो ना कियान. Sorry. हम और क्या जानते हैं? Answer me. Minor, dead sister. Her parents US में हैं. बदला and psycho behavior. Okay. अगर वो अंडर एज है तो अपने पेरेंट्स को यूएस में छोड़ के अकेले आ गई बदला लेने. लाइक व्हाट अबाउट स्कूल और कॉलेज? इज शी अ ड्रॉप आउट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्या तुम बिल्कुल नहीं बदले हो? पता करो ना, समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या. यू हैव टू फाइंड आउट, डोंट गो विद द फ्लो. एंड व्हाट्स विद दिस टीना मरी नहीं है एंड ऑल दैट? Anaisha, I'm convinced कि टीना नहीं मरी है. She's alive. बताओ, मुझे लग रहा है ये भी उनके प्लान का हिस्सा है.
कश्ती मुझे कन्विंस कर रही है कि टीना मर चुकी, पर टीना मुझे जगह जगह पर दिख रही है यार. Why? What the f over? But why? टीना को तुमसे सेक्सुअल फैंटेसी थी या तुमसे सेक्सुअल फैंटेसीज पूरा करना चाहती थी, एंड यू विच इज वेरी हार्ड टू बिलीव नहीं माने इसलिए. इट्स नॉट दैट सिंपल अनायशा. There was someone else also. What? Who? Gulshan. Her ex-lover. Uske ex-lover ko bhi tumhare saath BDSM karna tha? Yaar, Anisha, just get serious, yaar, please. Haan, yeah. Main tumhe 5 saal se jaanti hoon. Hamari shaadi hone wali thi. Parents were involved. Aur suddenly main tumhari ye parallel life dekh rahi hoon, full of crazy bitches and ex-lovers, and I should get serious now. Yes, right. Anisha, please, just please relax. Yeah, absolutely. You are right. I should just relax and calm down. Tumhare liye nahi, khud ke liye. You know, I should totally calm down. Aur mujhe wo karna chahiye jo main karne aayi hu, which is just help you out and get the fuck out of here. So tell me, Kiyan Roy, Gulshan kaun hai? You know, honestly. Honestly, मुझे खुद नहीं पता डिटेल में, बट ऑल आई नो इज कि व्हेन आई फाउंड आउट दिस वाइल्ड साइको बिहेवियर ऑफ टीना, आई रियलाइज कि ये सब गुलशन की वजह से है. गुलशन वॉज द वन हु यूज्ड एंड डंप्ड हर. गुलशन की वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है. कश्ती भी जानती है, उसने भी मुझे यही कहा. तो तुम इस स्टोरी में कर क्या रहे हो? आई डोंट नो यार, मैं भी तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट माई सेल्फ. व्हाट इफ कश्ती थिंक्स दैट आई एम गुलशन? नहीं, मतलब टीना का मुझसे ऑब्सेशन स्टार्टेड एज अ रीबाउंड आफ्टर गुलशन डंप्ड हर, ये मुझे पता है. पर टीना ने अपनी डायरी में जो लिखा है, जितने भी सेक्सुअल फैंटेसीज लिखे हैं, दे इन्वॉल्व मी. अगर कश्ती ने वो डायरी पढ़ ली हो, देन शी थिंक कि मैं ही गुलशन हूँ, राइट? क्या ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम कंप्लीटली इनोसेंट हो. I'm sorry, पर यार देखो, मुझसे गलती हुई, एक बार नहीं दो बार हुई, बट डोंट यू थिंक कि बहुत एक्सेसिव है? दिस इज साइकोटिक यार. आई बीइंग हेल्ड हॉस्टेज, ये दोनों मेरे मुझे पागल कर देंगे यार. लुक कियान, आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, ठीक है? क्या ये सर? हॉट चॉकलेट. I believe in telling stories which people, like in this day and age, people know. It's like, मैं उनको feel करना पड़ता है ये सब. Thank you. Please have some. I prefer coffee. But chocolate is an aphrodisiac. पियो ना. मुझे देखना है क्या होता है. किसने ऑर्डर किया ये? सर मैम ने भेजा. किसने ऑर्डर किया ये? सर जो मैम ने. कौन मैम? सर वो मैम ने भेजा. क्या पागल हो आप? क्या कुछ भी आप ऑर्डर करेंगे क्या? हॉट. मैं तो मर जाऊंगी, मरने से पहले मैं सबको सच्चाई बता के जाऊंगी, एंड यू नो दैट. बेब, प्लीज काम डाउन, प्लीज प्लीज प्लीज. अनायशा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, ओके? जस्ट आई प्रॉमिस. हाँ.
प्रूव इट, मैं भी आऊं के भी आए, चूज मी। कश्ती, मैं उसे ऑलरेडी हर्ट कर चुका हूं तुम्हारे लिए। किसी ने नहीं देखा। राइट नाउ मेक इट ऑफिशियल, प्रपोज टू मी। प्रपोज करोगे सबके सामने और मैं सोशल मीडिया पे लाइव सबको दिखाऊंगी। कश्ती, प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन, प्लीज। यू नो व्हाट, यू आर क्रिएटिंग अ सीन। कियान रॉय, कम ऑन, लेट मी रिकॉर्ड दिस इन फ्रंट ऑफ पीपल। Come on. Kashti. Will you make me the happiest man in the world? Please. Should I tell him yes or should I take him for a hike? You know what? जो भी decide करूंगी आप लोगों को definitely बताऊंगी। Cheers. घूर क्या रहे हो? You just proposed to me. This is what I'm going to remember till I come back. So make it memorable. You like to keep me on the back foot, don't you? Any word on Kiyan? Kashti has gone to US for a week. उसके बाद वो synopsis और the sizzle दोनों दे देगा। Do you really think Kiyan has done something जिसके बारे में वो हमें बता नहीं पा रहा है? I don't know यार, I'm तो more worried about my shit. खुद ही नहीं संभाल पा रहा हूँ यार, दूसरे की क्या? What happened, V? Nothing. What's going on? जब उससे बात होगी तो बता दूँगा, ऐसा। Okay. I was saying that मुझे ये realize हुआ है हमारे बीच में जो makeout session हुआ था वो कोई random hookup नहीं था, right? Yeah, of course. It was more than that. So, मैं सोच ही रहा था कि क्या जो वो मैं बोलती हूँ, राइट? तो इस ऑकवर्डनेस की जगह पे मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? नाउ दैट आई हैव गॉटन इट आउट ऑफ द सिस्टम, आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू यू नो कीप Miss me? ये तुम्हारे लिए है। तुमने जो मेरे साथ किया, you should get a taste of it, no? Please, I'm so sorry. It wasn't my fault. Please, sister, I should. This is going to hurt, just like you hurt me. Oh.
पागल रहा हूँ driving me nuts, man. I don't. यही plan to make me lose it like Tina. Get a grip, Kiyan. क्या हो गया? वो मुझे हर जगह दिख रही है यार. I don't know whether it's my imagination or. Kiyan, calm down. Calm down. Okay, calm down. सब figure कर लेंगे. I promise. पर फिलहाल अगर Kashti ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत problem हो जाएगी. कहाँ गए थे? फिर से उसके पास? नींद नहीं आ रही थी मुझे तो मैं सिगरेट लेने गया था. सिगरेट पीते हुए पहले तो कभी नहीं देखा तुमने. नर्वस फील कर रहे हो? एक्चुअली नो, आई एम आल्सो फीलिंग रियली नर्वस. आई वांट वन. मिली नहीं? शॉप पर शॉट नहीं मिली? अनायशा के बेडरूम में नहीं मिली? Kashti, why are you like this? I've proposed to you in broad daylight, yaar. Please don't be like this. Hey, come on, yaar. Don't leave on this note, na, Kashti. Let's go. Come help me pack. Mere flight ka time ho raha hai. Jab tum naraaz hokar jaati ho na, mujhe bahut stress hota hai. Tumhari sabse badi stress to main hu, right? मुझे एक बात का स्ट्रेस तो है ना कि तुमने अभी तक मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया. तुम्हें से कॉल करूंगी. ओके, आई एम गेटिंग लेट. बाय. चलिए. टीना, यही हो चोर. क्या बकवास कर रहे हैं? मैं टीना से मिलने आया हूं, ठीक है? मैं कोई चोर वोर नहीं हूं. मैं टीना से मिल उस दिन भी तू ही था क्या? इधर कोई रहता नहीं. अरे मेरे सामने अंदर गई है वो. दिखाओ. अरे दिखाओ. आपको विश्वास नहीं होता ना, मैं दिखाता हूं आपको. आइए मेरे साथ. बताइए. चलो चलो इधर है यार. कहां है? कमरे में होगी सर. एक सेकंड, आप मेरे साथ आइए. एक सर, मैंने उसके फुटप्रिंट्स देखे हैं बाहर. क्या फुटप्रिंट्स देख रहे हो? निकलो, वॉचमैन बाहर निकल. सर बाहर निकल. आप छुइए मत मुझे. देखो कियान, कुएं में कूदना है तो कूदो, पर हम सबको साथ में लेके तो मत जाओ. यू हैड वन जॉब, जस्ट वन, जस्ट फकिंग राइट. तुम वो काम छोड़कर दुनिया भर के चप्पे में लगे हुए हो. एक को प्रपोज करते हो, जिसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी, उसके साथ हैंग कर रहे हो, तीसरे के घर में ब्रेक इन कर रहे हो. जस्ट कंट्रोल योर फकिंग डिक, यू प्रिक. नताशा, ओ प्लीज, बीट्स मी कि तुम अभी तक इसके साथ क्यों लटकी हुई हो. मैं बीच रात में अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हें बेबीसिट करने आई हूं. उधर अंदर वरुण पुलिस को टैकल कर रहा है. कियान, दिस वाज नॉट द डील, नाइदर एज फ्रेंड्स नॉर एज द एजेंसी. काम डाउन प्लीज. वो ऑलरेडी बहुत चीजों से गुजर रहा है. ओके,
मैं उसे घर लेके जाती हूँ, मैं समझाती हूँ, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच. चलो कियान. फाइन. सूप. You believe me, right? मैंने टीना को सुना था, उसे देखा था मैंने बिल्डिंग के बाहर, और कैफे में भी वही थी, और शायद घर के अंदर भी. तुम्हें भी लग रहा है that I'm imagining things, right? Maybe I am. शायद मैं सच में पागल हो गया हूँ, मुझे भी ना पागल खाने में. कियान, रिलैक्स. हम कुछ सोचते हैं ना साथ में. मैं हूं तुम्हारे साथ. शिट, कश्ती का वीडियो कॉल. इतना टाइम क्यों लगाया? अरे बाबा, मैं बाथरूम में था यार. मुझे क्या पता तुम अभी कॉल करोगी. मैंने कहा था ना, मैं पहुंच के कॉल करूंगी. आई डोंट थिंक यू मिस मी. अरे कम ऑन, मैं भागा भागा आया हूँ यहाँ पर. ऑब्वियसली आई मिस्ड यू बेबी. आई बेट यू डिडंट मिस मी एज मच एज आई मिस्ड यू. अच्छा चलो, व्हाट आर यू अप टू? हाँ, नथिंग एट ऑल एक्चुअली. मैं लिख रहा हूँ, यू नो, नॉवलिस्ट. रिमेम्बर, ऑब्वियसली नताशा मेरा सर खा रही है कि क्यों नहीं लिख रहा हूँ. शी वांट्स अ न्यू आइडिया एंड ऑल ऑफ दैट. यू नो व्हाट, दैट एक्चुअली रिमाइंड्स मी, मुझे नताशा को फोन करके थैंक यू बोलना चाहिए ना फॉर द वीजा एंड ऑल, राइट? नो, डोंट कॉल हर यार. व्हाई? यू नो शी इज अ बिट बिजी, यू नो ऑल ऑफ दैट. मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे रूडली बात करे, यू नो, जस्ट क्रिएट्स अ कॉम्प्लिकेशन फॉर मी यार. ओके लिसन, आई हैव टू गो. चलो मैं तुम्हें बाद में पहुंच के फोन करती हूँ, ठीक है? बाय. I'm not even like this. मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ, अपना प्यार प्रूव करने के लिए. गुलशन, dark chocolate makes a man more hungry, and that's how I like it. तुम्हें किसी ने हग किया? अरे किसी ने नहीं, अनायशा, टीना ने मुझे हग किया. I know what. Okay. फिर उसे कहा कि ये सब में, how the fuck does it matter? उसने क्या कहा यार उसके बाद? अनायशा, क्या, look at me, ये भी तो हो सकता. No, please don't tell me कि ये सब मैं imagine कर रहा हूँ. तो don't look at me कि कोई मैं mental case हूँ यार. अनायशा, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो. I won't be making it up all up, right? मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, बट पिछले एक महीने में जो कुछ भी हुआ है उसके हिसाब से. अनायशा, listen, please, let, just मुझे मैसेज निकालो यार बाहर. उसके बाद I promise you, जैसा पहले था वैसे ही होगा, okay? I promise you, but
बिलीव मी वो वहां पर थी। टीना मर चुकी है कियान। चॉकलेट। हाँ? चॉकलेट क्या मेरा विश्वास नहीं करती ना। कम 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 व्हाट यही तो थी। कहाँ है चॉकलेट? अनाशा एक मिनट पहले यही थी चॉकलेट यार। She come back. Hearing things, I'm seeing things. Tina se mujhe nazar aa rahi hai yaar. Stay from me, please stay from me. I'm dangerous, yaar. Main damage ho gaya hu yaar. Kiyan, tum pagal nahi ho. I know it. I believe you. Utho. Kiyan, utho. Chalo. Utho, chalo. Aao mere saath. पहले पागल हो जाऊँ ना मुझे। I should fucking kill myself, man. Kiyan, just shut up. Fucking kill myself. Don't go down that road. क्या हो गया तुम्हें? Losing my mind, यार. Just losing my mind. मैं हूँ ना तुम्हारे साथ. I'm there. कुछ ना कुछ figure out कर लेंगे हम. Kiyan, एक मिनट. कश्तियाँ नहीं हैं. तो कुछ clues ढूँढ सकते हैं. Clues? वो यहाँ नहीं है तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट क्या है कुछ तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसके लगेज से। वो टीना के बारे में कुछ हो सकता है या ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है उसका कुछ प्रूफ मिल सकता है। आई थिंक वी शुड लुक फॉर इट। थैंक यू। चलो क्लूज ढूंढते। कियान आओ। बेब सब ठीक हो जाएगा ना? वही कोशिश करें कियान। डू यू थिंक इसके बाद वी नो वी कैन गेट बैक टुगेदर? ये सब बाद में डिस्कस करते हैं कियान, अभी तुम्हें इस मेस से निकालते हैं। Really? Kiyan, search na. Meri help karo. Kiyan, ye dekho. मिशन गुलशन। आओ ना बैठ के देखते हैं। उन कागजों पर जो लिखा था वो देख के मेरी ऐसा लगा कि मेरी बर्बादी का फोकस किसी ने मेरे हाथ में दे दिया। What? ये सब तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। एग्जैक्टली दिस वे। मेरा होटल रूम then the word jumble। मेरे साथ जो भी हुआ एक सोचा समझा प्लान किया हुआ ड्रामा था और मैं एक कठपुतली था। एक टिया कठपुतली। किस शिट नाइशा दिस इज यही सब तो हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है यार इसमें। लुक एट दिस हमारी एंगेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है यहां पर। लुक मेरा कैसे घर में जाने लिखा हुआ है। हमारा मिलना भी लिखा हुआ है यार। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी यार। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना नाइशा? एना 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 अब तो तुम मानती हो ना कि ये सब कश्ती का किया करा है? यू अग्री यू बिलीव मी राइट? कंट अब तो सब ठीक हो जाएगा राइट? यस बिकॉज लिखा हुआ है यार सब। व्हाट
अगर टीना जिंदा है तो इसमें क्यों लिखा हुआ है कि मर चुकी है? बाकी जो चीजें लिखी हैं वो सच हैं, राइट? एंड उसके बाद कष्टी का यूएस ट्रिप एंड दिस दिस व्हाट दिस कियान जो अभी हो रहा है ये सब तुम और मैं यहां इस घर में जहां हमें ये किताब मिली है आगे की पेजेस खाली हैं कियान क्या हुआ जानते हो उस मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल क्या है क्या मिशन गोशन मैंने तुम्हें कहा था ना अनायशा आई टोल्ड यू कि कश्ती थिंक्स दैट मैं ही गुलशन हूं मैं तुम्हें कहा था ना प्रूवन पर टीना को तो पता है कि तुम गुलशन नहीं हो अरे पर टीना इज डेड ना व्हाट मेरा मतलब अनायशा मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है दैट टीना इज डेड ना कौन क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है By the way, मेरा नाम टीना है अवस्थी है टीना अवस्थी है पूरा नाम फुल नेम I think I got the point. Sorry? मतलब तुम्हारा पूरा नाम यानी फुल नेम टीना अवस्थी है एंड मैं यार काफी सही नाम है अनाशा अनाशा हो सकता है टीना गुलशन का मतलब मुझसे ले रही हो अरे When I met Tina से मिला था गुलशन had already dumped her, right? और फिर even I left her right after that, है ना? हाँ की ना? I left her. गुलशन तो गोल हो गया, and I was still there. उसके बाद मैं famous हो गया, so I don't know, but I think Tina हम दोनों का बदला मुझसे ही ले रही है. For all you know, she's सब मर्दों का बदला साला मुझसे ही ले रही है, यार वो. Can you hear yourself? ये कोई कौन सी थ्रिलर फिल्म का ट्विस्ट नहीं है ये जिंदगी है तुम्हारी अरे तो मैन्युस्क्रिप्ट में वही तो लिखा है ना लिखा है कि नहीं लिखा है यार लुक आई रियली वांट टू हेल्प यू बट आई एम कन्विंस्ड कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो कियान अरे नाइस यार क्या छुपाऊंगा तुमसे मेरी हालत देख रही हो अभी क्या छुपाऊंगा यार मैं तुम पे एक बार ब्लाइंड ट्रस्ट करके देख चुकी हूं मैं दोबारा नहीं कर सकती क्या नाइस आई रियली नीड यू राइट नाउ मैन प्लीज आई रियली नीड यू इन माय लाइफ अभी मैं हैंडल नहीं कर सकता यार पता है मुझे फिर भी जा रही हूं कियान तुम्हारे और मेरे बीच में अभी एक दरवाजा है एक तरफ मैं हूं और एक तरफ तुम और एक सच जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो इफ यू रियली वॉन्ट मी बैक लेट मी इन वरना मैं सिर्फ प्रे कर सकती हूं कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक हो जाए I told you I'm with you. I'll help you. पर एक शर्त पे. I want to know the truth, Kiyan. All of it. तुम्हारे और टीना के बीच में जो कुछ भी हुआ था मुझे सब जानना है. I know you had a scene with her. बस मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, Kiyan.
Don't worry, Kiyan. I can handle it. I can take it. Just tell me. Anna, meri baat maan. You don't want to hear this. Maybe I do, Kiyan. जख्म में अगर खून भर जाता है ना तो वो और भी गहरा हो जाता है खून बहने तो किया Maybe I'll get over all this. You know, I need to know this. I just, no matter how much it hurts me, I have to go through it, Kiyan. I have to. This is the only way कि हम फिर से फिर से I want to give us another chance, Kiyan. But you have to tell me everything. तुम्हें मुझे सब सच सच बता दो, Kiyan. Please. मुझे जानना है सब कुछ तुमसे. अगली मैंने जो भी किया इट्स हॉरिबल हेट मी कोशिश की थी मैंने कियान जब तुमने मुझे और मेरे माँ बाप को ह्यूमिलिएट किया था तब भी नहीं कर पाई और आज भी जब तुम मुझे बता रहे हो दैट यू चीटेड ऑन मी आई एम जस्ट Okay. Anisha, can we get back together? तुमने कहा था ना कि अगर मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ तो कहा था ना, है ना? कुछ बोलोगे यार वरुण इट्स बैड टाइम फॉर सस्पेंस ब्रो सोशल मीडिया पे कश्ती ने मेरे प्रपोजल को मना कर दिया था और पब्लिक सिंपैथी के लिए मुझे चीटर भी कहा हार ये सारी मेरी पूरी जिंदगी छीन के ही मानेगी क्या होगा ना होने का वेट नहीं कर सकते क्या वी नो हर नेक्स्ट स्टेप ऑल वी गॉट टू डू इज प्लान आंस बट व्हाट नेक्स्ट व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप उसका नेक्स्ट स्टेप छोड़ हमारा सुन देख कश्ती मीडिया में बात करेगी उस वक्त तू बात करेगा कि वो कैसे तेरी लिटरली और वैसे भी मैंने और नैट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है आई विल टेक केयर ऑफ थिंग्स कौन कौन मेरी बात सुनेगा वन सेकंड सुनेंगे सब सुनेंगे तुम अपनी कहानी बताओ ना हु इज द बेस्ट सेलिंग ऑथर यू राइट नॉट हर कश्ती सिंपैथी का फायदा उठा रही है ना उठाने दो उसे यू जस्ट चेंज द नैरेटिव ना तुम मीडिया को ये बता दो कि उसने तुम्हें कैसे स्टॉक किया कैसे हैरेस किया कैसे तुम्हारे फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स को सैबोटेज किए बेसिकली टेल द मीडिया दैट शी इज अ बिच एक कहानी सुनानी सिर्फ यू आर अ स्टोरी टेलर मैन या बट सुनो ज्ञान कभी कभी सच और झूठ इस बात पे डिपेंड करते कि कौन पहले बोल रहा है तुमने पहले बोला तो तुम्हारी बात ज्यादा सच लगेगी दैट इज फाइन बट अगर उसने मीडिया को बता दिया कि वो माइन बताने दो उसे हैंडल कर लेंगे हम इफ शी इज अंडर एज तो हम बोलेंगे कि उसने ज्ञान को नहीं बताया था और कियान को नहीं पता था ट्रस्ट मी बेबी लेट्स डू दिस
सारे इन्फ्लुएंसर्स, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स आए हुए, आधे तेरे फैंस हैं, बस तू अपना चाम बटन ऑन रख, ओके? जस्ट चाम दम। अपनी कहानी सुना दो क्या? जैसे तुम हमेशा सुनाते हो। लेट्स डू दिस। हैंडकफ्स की सक्सेस के बाद कियान को आप सबके सामने मैं लेकर आई थी। उस दिन आप सब लोग कियान को सुनना चाह रहे थे। आज कियान आप सबसे कुछ कहना चाहता है। पैटर्न बन गया है ना इस देश में। पहले हम किसी को सर पर बिठाते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि बहुत ऊंचा उड़ रहा है, तो लेनी पड़ेगी। मेरे बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं आजकल। आप लोगों में से शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इसके सर पर चढ़ गई सक्सेस, इसको लग रहा है ये कुछ भी कर सकता है, दिखाना पड़ेगा इसे। दिखा दो, अभी दिखा दो, हार डालो मुझे, नंगा कर डालो मुझे यार। बट अरे उसके पहले पूरी कहानी तो सुनो। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कम से कम इतना तो सुनो कि इस कहानी में असली विलन कौन है और विक्टिम कौन। जस्ट बिकॉज मैं एक मर्द सक्सेसफुल हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विलेन हूं। हर कहानी में आदमी विलेन नहीं होता, समटाइम्स इट्स द गर्ल हु इज द बिच। और कितना जल्दी आप लोग मान गए ना, जो भी उसने कहा आप लोग मान लिए। उसने कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, आप लोगों ने मान लिया। उसे कहा मैंने उसे अब्यूज किया है, आप लोगों ने फिर विश्वास कर लिया। ये जो लड़की है ना, जो मुझे अब्यूजर बुला रही है, वो एक बेचारी विक्टिम नहीं है, ये एक स्टॉकर है, एक साइको है जिसे मेरी जिंदगी खराब करके रख दिया। उसने मुझे हॉस्टेज सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, बट जैसे आप देख सकते हैं ये कियान के लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट है। शायद कियान ये सोच रहा होगा कि हम उसे गलत समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें कियान को सही तरह से समझने के लिए एक वीडियो देखना चाहिए। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप सब खुद ही समझ जाएंगे। What? Take that, you need to talk. टीना वस्ती को पहली बार मिला ना, मुझे कभी एहसास हो गया था कि यही है, आई वाज मिसिंग सोफा। एक लिटरेरी एजेंट की सेक्रेटरी, चश्मिश, स्वीट, शाय, कॉन्फिडेंस का सी तक नहीं। बाय द वे मेरा नाम टीना है, अवस्थी है, टीना अवस्थी है। काफी सेक्सी नाम है। और मैं आपका नाम तो मैं जानती हूँ, और मैं चाहे कुछ भी करूं तुम रुकना नहीं। Not your scene. इतना भी दर्द बर्दाश्त नहीं है तुम्हें, लगता है misjudged you. Anyway, thanks for the coffee. गुलशन, अनाशा के बारे में तुम्हारा आइडिया मेरे लिए उस समय ये सब करना कितना इंपॉर्टेंट था। मैं खुश
मेरे एजेंट्स खुश, पब्लिक वाज हैप्पी, एक्सेप्ट टीना. कि सब अपनी जगह था, पर ये देखना कि ये सब मेरा प्लान था, कि ये सारा सेटअप मेरा था. एक रिलेशनशिप ब्लॉगर होने के नाते देयर आर वेरियस फॉलोअर्स जिनके इश्यूज में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. वन सच पर्सन वाज टीना, जिसने मुझे मेरे ब्लॉग पे कांटेक्ट किया. उसे कोई आइडिया नहीं था कि कियान मेरा फियांसे है. आई गेव हर माई नंबर एंड वी मेट. टीना बहुत बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज थी. वो पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट कहीं पर फोकस नहीं कर पा रही थी. कुछ पूछताछ करने के बाद जब मुझे पता चला कि कियान ही उसका गुलशन है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई. आई न्यू एट दैट मोमेंट कि ऐसा आदमी मेरा लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकता. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ही नीडेड टू बी डेल्ट विद. हमें ये इंश्योर करना था कि कियान किसी भी लड़की के साथ फिर कभी ऐसा ना करे. उसको एक एग्जाम्पल बनाना जरूरी था. कियान के आसपास हमने जाल बिछाना शुरू किया. उसे इस कदर कन्फ्यूज कर दिया दैट ही डिडंट नो व्हाट टू डू. The next step was Natasha, जो ऑलरेडी अब तक कियान से परेशान हो चुकी थी. देखो ना, अगर तुम कियान को डिफेंड करने आई हो तो प्लीज डू नॉट बॉदर. नहीं Natasha. In fact, it's the complete opposite. पूरी बात सुनकर तुम खुद ही डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाहती हो. Oh, and तुम्हें तुम्हारी नई बुक बहुत जल्दी मिल जाएगी. कियान की किस्मत कि टीना और कश्ती को मैं मिल गई और उसका पाला तीन लड़कियों से पड़ा जिन्होंने उसके लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ा. और वो जिस चीज से सबसे ज्यादा अटैच था, मैं नहीं, उसका फेम, उसकी सक्सेस, उसे वो सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ा. कहाँ पता नहीं. कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस. लेट्स पोज. So, happy birthday you? Last week tha. So what? It's a birthday. It's still special. I feel old. और ये old वाली feeling इसे 22 साल की उम्र में आ रही है. Is she always like this? Oh no. Like, see, sorry girls, we have a night ahead of us. पहले भी कहा था, एक ऑथर के दिमाग से खेलना आसान नहीं होता. काफी मजा आएगा इस रिवेंज में. मिस बेस्ट सेलिंग ऑथर.